Hey guys, today we are talking about the top 20 movies in the world by box office collection. जी हाँ, जिन पिक्चरों का box office collection बहुत ही अच्छा है वो top 20 list, world की top 20 list आज मैं आपके सामने रखने वाला हूँ. एंड गाइज, मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि साल दर साल हर बार लिस्ट बदल जाती है और इस बार भी लिस्ट बदल गई है फुल ऑन, एंड इट विल बी द वेरी इंटरेस्टिंग. तो चलिए शुरुआत करते हैं द मूवी नंबर 20. लेट्स गो. तो गाइस, नंबर 20 पे आती है आयरन मैन 3. जी हाँ, आयरन मैन 3 जिसने लगभग 1,240 मिलियन डॉलर्स की कमाई की है, जो कि इंडियन रुपीस में होता है 90,94,42,93,277 इनसेन रुपीस गाइस. एंड इसी इनकम के थ्रू वर्ल्ड बैंक ने, मतलब वर्ल्ड जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था आयरन मैन 3 का, वो इतना ही था, लगभग 1 बिलियन के करीब, जो कि मैंने आपको दिखाया. एंड इसलिए ये मूवी नंबर 20 पे आती है. तो गाइज, इस लिस्ट में नंबर 19 पे आती है द फेट ऑफ द फ्यूरियस, जो कि है फास्ट इन द फ्यूरियस पार्ट 9 शायद, है ना. और इसने इनकम ली है 1 बिलियन डॉलर, सेम, बस थोड़ी इनकम ज़्यादा है क्योंकि इंडियन रुपीज में बात करें तो 92 अरब हैं, जहाँ की आयरन मैन के 90 अरब थे. एंड ये मूवी फास्ट एंड द फ्यूरियस का पार्ट 8 है, एंड होपफुली आपने ये देखी होगी क्योंकि ये मूवीज़ में बहुत ही अच्छा किरदार निभाया गया था द रॉक द्वारा, एंड द रॉक की वजह से ही ये मूवी इतने पैसे कमा पाई है. तो गाइज, नेक्स्ट मूवी है यानी नंबर 18, इनक्रेडिबल 2. जी हाँ गाइज, इस सीरीज़ में आपको वर्ल्ड वाइड एनिमेशन से लेके रियल मूवी जिनकी वर्ल्ड वाइड इनकम बहुत अच्छी है, इनकी भी 1 बिलियन प्लस है, एंड इंडियन रुपीज़ में बात करें तो 93 अरब रुपये हैं, जो कि काफ़ी हैवी बजट होता और किसी एनिमेशन मूवी के लिए इट इज़ इनसेन कि वो इतनी मूवी कमा जाती है. और अभी आएंगे आपको बहुत सी एनिमेटेड मूवीज़ भी इस लिस्ट में आपको देखने को मिलने वाली हैं. तो इनक्रेडिबल 2 एंड लेट्स गो. तो गाइस, नंबर 17 पे आती है द ब्यूटी एंड द बीस्ट. जी हाँ, द ब्यूटी एंड द बीस्ट, इस मूवी ने कमाई की है 1,200 मिलियन प्लस डॉलर्स की, एंड अगर इंडियन रुपीज़ में अगर इसकी बात करें तो ये होगा कुछ अराउंड 94 अरब रुपए. जी हाँ, 94 अरब रुपए. असल में ये मूवी इंस्पायर्ड है एक एनिमेशन मूवी से. जी हाँ, इसका एक एनिमेटेड पार्ट भी है जो कि आपको पिछले स्क्रीन पर दिखा होगा, उसी से इंस्पायर्ड होकर इस मूवी को रियल लाइफ में बनाया गया ह्यूमन माइथोलॉजी पे. जो एनिमेटेड मूवी है वो कुछ इस तरह की थी, लेकिन फेमस जो हुई जिसने इतनी कमाई की वो थी रियल इनसेन मूवी. जी हाँ गाइस, नंबर 16 पे आती है फ्रोजन, एक और एनिमेटेड मूवी जो कि है फ्रोजन. जी हाँ, एनिमेटेड मूवी वो भी डिज्नी की बहुत कमाई कर जाती हैं, और इनने भी 1,280 मिलियन प्लस, एंड अगर इंडियन रुपीज़ में बात की जाए तो 95 अरब रुपए. जी हाँ, सिर्फ एक फ्रोजन मूवी में, एक एनिमेटेड डिज्नी की मूवी ने इस मूवी को इतना आगे ले जाएगी. और अगर बात करें इंडिया में इसका क्रेज़, तो गाइस इंडिया में गर्ल्स इसको अकेली नहीं देखती हैं, बल्कि इंडिया में बात की जाए तो 40% व्यूअरशिप इसको लड़कों ने ही दिए जानी, यानी कि बॉयज़ ने. जी हाँ, बॉयज़ ने भी इस मूवी को देखा है, एंड होपफुली आपने भी ये मूवी देखी हो. एंड गाइस, जब डायनासोर के जो फैंस है यानी जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम जो कि अभी आई थी, वो मूवी इस लिस्ट में नंबर 15 पे है, एंड इसने भी 1,300 मिलियन प्लस इनकम चार्ज की है, मतलब कमाई है, और 98 अरब. जी हाँ, पिछली मूवी से लगभग बहुत ही ज़्यादा रुपए इस मूवी ने कमाए हैं. जी हाँ, जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम, ये मूवीज़ अपने VFX के लिए जानी जाती है. जी हाँ, VFX जो कि इसने डायनासोर में लगाए हैं, एंड आई थिंक इस मूवी को टॉप 10 में होना चाहिए था, पर नंबर 15 इट्स प्लेस इन दिस 2021. तो गाइज, नंबर 14 यानी स्टार वॉर्स एपिसोड 8 वो भी द लास्ट जेडी का, ये वाली स्टार वॉर्स नहीं है याद रखिएगा, ये द फोर्स ऑकन्स है इस स्टार वॉर में, और इस स्टार वॉर में काफ़ी अंतर, ये द लास्ट जेडी है. इसके भी कई एपिसोड हैं जिसका 8th एपिसोड बहुत वायरल हुआ, जिसने लगभग 1,300 मिलियन प्लस एंड 99 अरब रुपये इंडियन में कहें तो कमाए हैं. और याद रहे, फिर से बता रहा हूँ कि ये मूवी स्टार वॉर्स का दूसरा भाग है, यानी स्टार वॉर्स में 3 टीमें हैं जिसमें से ये दूसरी टीम है द लास्ट जेडी. एंड गाइज, जो हैरी पॉटर के फैंस हैं वो काफ़ी देर से सोच रहे होंगे कि भाई ये मूवी क्यों नहीं आ रही. जी हाँ, हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज पार्ट 2 जिसने 100 अरब रुपए से ज़्यादा रुपए कमाए हैं और 1,300 बिलियन रुपीस कमाए हैं. अगर बात करें 100 बिलियन, मेरे ख्याल से हैरी पॉटर का ये एक ही पार्ट है पूरी लिस्ट में,
जो कि हैरी पॉटर के फैंस के लिए काफ़ी निराशाजनक है, लेकिन इस मूवी ने भी काफ़ी सक्सेस पाई है। लेकिन याद रहे, डेथली हेलोस पार्ट टू है, इसे समझने के लिए आपको डेथली हेलोस का पार्ट वन देखना बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ गाइज, अब आती है ब्लैक पैंथर, जो कि एक समय पे नंबर 9 पे हुआ करती थी, आज नंबर 12 पे है। एंड इस मूवी ने भी 100 अरब रुपए से, मतलब इसमें और हैरी पॉटर में ज़्यादा अंतर नहीं है, और 1.347 बिलियन रुपए इसने कमाए हैं, जो कि काफ़ी अमेजिंग है। और हाल ही में इनके जो मेन लीड एक्टर थे उनकी हाल ही में डेथ हो गई है, एंड इसी की वजह से एमसीयू वाले शायद थोड़े कंफ्यूज होंगे, क्योंकि अब आपको न्यू एक्टर देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्लैक पैंथर की मूवी तो बननी ही बननी है। एमसीयू की बात चल रही है और एवेंजर्स ना आए, जी हाँ, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन नंबर 11 पे है, जिसने काफ़ी ज़्यादा कमाई, यानी 105 अरब रुपए कमाए हैं और 1.4 बिलियन रुपीज़ कमाए, जो कि नंबर 12 से काफ़ी ज़्यादा है। जी हाँ, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, सिर्फ एज ऑफ अल्ट्रॉन ही आई है अभी तक 11 पे। हो सकता है आपको और मूवीज़ देखने को मिल जाएँ, क्योंकि मार्वल फैंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उत्सुक होंगे इस लिस्ट को देखने में। और फाइनली उनकी पहली मूवी स्टार्ट हुई है नंबर 11 एज ऑफ अल्ट्रॉन से। जी हाँ गाइज, एक और एनिमेटेड पार्ट द फ्रोजन 2, जी हाँ, फिर फ्रोजन का पार्ट 2 यानी फ्रोजन 2 नंबर 10, यानी टॉप 10 के लिस्ट में नंबर 10 पे आती है, जिसने एवेंजर्स के थोड़े से आगे निकल गई है, ये 108 अरब और 1.455 बिलियन डॉलर्स की। जी हाँ, इस फ्रोजन 2 ने, इसका पार्ट 2 भी काफ़ी हिट रहा था, लेकिन ये इंडिया में था। तो गाइज, नंबर 9 पे आती है फास्ट एंड द फ्यूरियस 7, जी हाँ, फास्ट एंड द फ्यूरियस 7, 8वां पार्ट हमने आगे देख लिया है, और इस मूवी ने 1.5 डॉलर से ज़्यादा ही कमाई की, और इंडियन रुपीज में बात करें तो 114 अरब रुपए से ज़्यादा इस मूवी ने कमाए हैं। असल में ये मूवी आपको याद होगा एक सीन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी, जब पॉल वॉकर, मतलब अभी तो वो नहीं है, ये दोनों जो दोस्त हैं वो अलग हो रहे थे, इसी वजह से इस मूवी की इतनी डिमांड रही। और नंबर 8 पे आती है, जी हाँ गाइज, नंबर 8 पे आती है दी अवेंजर्स, एवेंजर्स फैंस वापस आ चुके हैं दी एवेंजर के साथ, जिसने कि 114 अरब, यानी ज़्यादा कोई अंतर नहीं है इन दोनों मूवीज़ में, फास्ट एंड द फ्यूरियस 7 और द अवेंजर्स की इनकम या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड जो भी है उसमें ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी कुछ ज़्यादा रुपए इसके साथ ये मूवी ओवरटेक कर गई है फ्यूरियस 7 को, एंड इसलिए इसका नंबर मिला है नंबर 8 दी अवेंजर्स। तो गाइस, नंबर 7 पे आती है द लॉयन किंग, जिसने वाकई में द अवेंजर्स को बहुत बुरी तरीके से बीट करा है, जी हाँ, 125 अरब रुपए और 1.6 बिलियन, जो कि काफ़ी अंतर है किसी भी इन ह्यूमन मूवी को बीट करना। और अगर आप इसके VFX की बात करें, मतलब एनिमेशन की, तो डिज्नी वालों ने इसमें ऐसा एनिमेशन डाला है कि कोई भी देखने वाला यही समझेगा कि ये रियलिटी है, एंड इसी की वजह से ये डिज्नी की वन ऑफ द टॉप मूवी है, और इसलिए ये नंबर 7 पे है। जी हाँ गाइस, नंबर 6 पे आती है जुरासिक वर्ल्ड, जी हाँ, इसका पार्ट 1 जो कि स्टार्ट हुआ था वो आता है नंबर 6 पे, जिसने 126 अरब रुपए से ज़्यादा ही कमाई की है। और द लायन किंग और इस मूवी में ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सेम है, 1.670 बिलियन रुपीज़ इसने कमाए हैं, यानी 1.670 बिलियन रुपीज़ इसने कमाए हैं, और इसी के साथ ये मूवी नंबर 6 पे है। याद रहे, ये पहला पार्ट था, फॉलन किंगडम हमने पहले ही देख ली। तो गाइज, नंबर 5 पे आती है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, जिसने 2 बिलियन डॉलर का कलेक्शन इकट्ठा करा है, जी हाँ, 2 बिलियन, जो कि नंबर 4 से काफ़ी ज़्यादा है, 154 अरब रुपये, यानी 154 अरब रुपीज़, माफ़ कीजिएगा, 154 अरब रुपीज़, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं, वो भी एवेंजर्स के लिए, तो ये सब बिल्कुल कम है। सो एवेंजर्स फैन एंड MCU फैंस तो यहाँ पे बहुत खुश हो रहे होंगे। लेट्स बिगेन टू द नंबर 4, जी हाँ गाइस, अब आ चुकी है स्टार वॉर्स द फोर्स ऑकन्स, जी हाँ, द फोर्स ऑकन्स, जो नंबर 7 पे, हम नंबर 14 पे जो हमने देखी थी वो द लास्ट जेडी थी, अब आ चुकी है द फोर्स ऑकन्स, जो कि नंबर 4 पे है 156 अरब रुपए के साथ, एंड 2 बिलियन से भी ज़्यादा का कलेक्शन इकट्ठा करते हुए वर्ल्ड वाइड। और याद रहे, ये द लास्ट जेडी नहीं है, ये द फोर्स ओकन है, द फोर्स ओकन्स, ओके, एंड इसी वजह से इसने अपनी जगह बनाई है नंबर 4 में। तो गाइस, नंबर 3 पे आती है टाइटैनिक, जी हाँ, नंबर 3 पे आती है टाइटैनिक, द मोस्ट इमोशनल मूवी ऑफ द ईरा, यस,
इस मूवी ने 186 अरब रुपए कमाए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं 2.4 बिलियन डॉलर के साथ। एंड मैं भी इस मूवी का बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि इसमें जो लव केमिस्ट्री दिखाई गई है और प्लस इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एंड स्टोरी जो कि बायोपिक बेस्ड है, एक नंबर है। इसी की वजह से ये उस समय की हिट मूवी रही और अभी तक नंबर 3 से कोई इसे हिला भी नहीं पाया। तो गाइज इस लिस्ट में नंबर 2 पे आती है एवेंजर्स एंड गेम। जी हाँ, सैड पर ट्रूथ कि एवेंजर्स को नंबर 2 मिला हुआ है। मेरे हिसाब से ये नंबर 1 होनी चाहिए और इसने भी काफ़ी ज़्यादा कमाई की है, जैसे कि आप देख सकते हैं 210 अरब रुपए। मेरे हिसाब से इस मूवी को टॉप पे होना चाहिए था, बट फॉर द सैड ये मूवी नंबर 2 पे है और नंबर 1 मूवी से ओवरटेक कर गई है, रीटेक यानी वापस से ओवरटेक कर गई है। तो गाइस अब आप सोच रहे होंगे नंबर 1 मूवी कौन सी है, तो गाइस नंबर 1 मूवी है, जी हाँ, अवतार। जी हाँ, अवतार मूवी इसे ओवरटेक कर गई है। तो गाइस अवतार के बारे में आप सोचते होंगे कि एवेंजर्स ने इतने सारे पार्ट बनाए फिर भी वो इसे पार क्यों नहीं कर पाए, बल्कि इसने जो कमाए ज़्यादा कमाई नहीं है इसमें, 211 अरब रुपए इनने भी कमाए हैं और उनने 210 अरब। तो गाइस मेन रीज़न था इसके डायरेक्टर का, जो कि 1990 से सोच रहे थे इस मूवी को बनाने का, जिसकी वजह से इसे मीडिया पब्लिसिटी भी मिली और इसीलिए जब ये रिलीज़ हुई तो इस मूवी ने रैंक टॉप हिट कर दी और अभी तक ये नंबर 1 पे है। एंड गाइज ये रही आजकल की रैंकिंग, आज की रैंकिंग यानी 2021 की। एंड होपफुली यू एंजॉयड द वीडियो, होप एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।